समझ में नहीं आ रहा, पिकल का शरीर लोहे से बना है क्या? वो खून पिकल के शरीर की वजह से नहीं है। तो फिर क्या है मिस्टर पेन? खून आने की वजह है कात्सुमी ने साउंड बैरियर को तोड़ा है। क्या कहा आपने? बैरियर मतलब? जब एक एयरप्लेन हवा में तेजी से आगे बढ़ता है तो उस फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह पड़ता है। जैसे ही स्पीड बढ़ती है हवा का रेजिस्टेंस बढ़ता है। जैसे ही प्लेन की स्पीड 1225 किलोमीटर पर आवर से तेज होती है वो साउंड बैरियर को तोड़ देता है। साउंड बैरियर तोड़ने के बाद जो प्रेशर पड़ता है वो काफी बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे कई एक्सीडेंट्स देखे हैं। भारी से भारी मेटल से बने एयरप्लेन्स भी इस प्रेशर को नहीं झेल पाते। एक जगह खड़े रहकर हमें एयर के रेजिस्टेंस का अंदाजा नहीं होता है, पर जब उसके हाथ 1225 किलोमीटर पर आर की तेजी से आगे बढ़े तो वो एयर का प्रेशर नहीं झेल पाए। आपका मतलब साउंड बैरियर टूटने की वजह से उसे इतनी चोटें आई हैं? पिकल को नीचे गिराने के लिए उसे दोनों हाथ और दाएं पैर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, पर यहाँ पिकल तो फिर से उठने की तैयारी कर रहा है। उसके चेहरे की हंसी फिर से लौट आई है। वो उठ रहा है, इतनी मार खाने के बाद भी। इस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में सब बदल गया। मारने वाला घुटनों पर बैठा हुआ है और मार खाने वाला खड़ा है। आह, क्या वजह होगी जो ऊपर वाले ने इसे इस युग में भेजा है? मैं कहना तो नहीं चाहता, पर जब से लड़ाई शुरू हुई है कात्सुमी ने एक भी गलती नहीं की है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अगर ये जंगली खड़ा हो सकता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैं जानता हूँ तुम मार्शल आर्टिस्ट्स बहुत ताकतवर हो। मैंने जितनी उम्मीद की थी तुम लोग उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो। पर तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। पिकल अपने जमाने में डायनासोर्स के खिलाफ लड़ा करता था। कुछ डायनासोर्स तो पहाड़ से भी लंबे होते थे। और मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, कात्सुमी जितना भी जोर लगा ले ये मत भूलो कि वो 100 किलो का है और वो डायनासोर्स 15 टन के हुआ करते थे। कहीं ये वो मूव तो नहीं करेगा? मैंने सब कुछ सही किया, शुरू से लेकर अब तक मैंने कोई गलती नहीं की, पर फिर भी मैंने अपने दोनों हाथ और एक पैर गवा दिया। यहाँ तो सब घबराए हुए हैं। मास्टर काकू और रेत्सु, पर घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा फाइनल मूव अब भी बाकी है। एक मूव जो सिर्फ